जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जी एस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा करंट अफेयर्स पर, और साथ ही में दोस्तों हम इस समय जनरल हिंदी पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों जनरल हिंदी में आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, ये हमारा करंट अफेयर्स और साथ ही में हिंदी का पोर्शन चल रहा है। तो दोस्तों आप लोग लगे रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और समझने का पूर्ण रूप से प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रश्न है ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मौत हुई है? क्या दक्षिण कोरिया की, जापान की, अमेरिका कि दोस्तों जर्मनी? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात दक्षिण कोरिया में। दोस्तों ब्रेन ईटिंग अमीबा, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये मस्तिष्क संबंधी बीमारी होती है। क्या होती है? मस्तिष्क संबंधी बीमारी होती है। इसमें धीरे धीरे क्या होता है, मस्तिष्क का जो भाग होता है वो ख़त्म हो जाता है। यानी इस बीमारी से, यानी ब्रेन ईटिंग अमीबा बीमारी से जो मनुष्य ग्रसित हो जाता है तो धीरे धीरे उसका मस्तिष्क दोस्तों वो ख़त्म कर देता है। क्लियर? अर्थात बहुत ही घातक बीमारी है। तो ये दोस्तों पहला केस, दोस्तों पहली मौत जो है दक्षिण कोरिया में देखने को मिली है। तो प्रश्न को बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर दो की तरफ चलते हैं। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? क्या मेघालय है कि पंजाब है कि हरियाणा की राजस्थान? दोस्तों प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय राज्य जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं। अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? क्लियर है? अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त दोस्तों प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया? अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर। क्लियर है? तो प्रश्न को दिमाग पे सेट कर लीजिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर फोर है, भारतीय सेना ने किस शहर में पहली दो मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है? दोस्तों ये दो जो 3D प्रिंटिंग है दोस्तों, इसमें कोई मनुष्य यानी काम नहीं करते, इससे मकान बनाना हुआ। क्लियर है? तो हमारे यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ क्या होता है, तो मकान को क्या करता है, कौन बनाता है? आदमी बनाते हैं। तो 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, ये ऐसी तकनीक होती है, ऐसी मशीन होती है, इसमें मटेरियल मतलब इसको दे दीजिए तो ये स्वयं अपने आप से क्या होता है, घर को बना के रख देगी, खड़ा कर देगी। क्लियर है? तो इस तरीके से भारतीय सेना ने किस शहर में पहली दो मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय सेना ने 28 दिसंबर को, कब? 28 दिसंबर को अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है। क्लियर है? कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। भारत किस वर्ष की ओलंपिक खेलों के लिए मेजबानी की दावेदारी करेगा? क्या 2036 कि 2040 कि 2044 कि दोस्तों 2028? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत जो है ओलंपिक खेलों के लिए मेजबानी की दावेदारी करेगा। कब करेगा? ये करेगा 2036 में करेगा। क्लियर है? जैसा कि जानते ही हैं हमारे देश के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। क्लियर है? इन्होंने क्या हुआ, ये दावेदारी को स्वीकार किया है कि इस बार 2036 में ओलंपिक खेलों का आयोजन भारत में होना चाहिए। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? क्या ढाका में किया है कि चिटगांव में कि रंगपुर की राजशाही में? दोस्तों यह जो
रेल सेवा यानी मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया है, ये बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका में किया गया है। क्लियर है, किसके द्वारा किया गया है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के माध्यम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी, क्या विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? क्या हिमालय प्रदेश के उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश की दोस्तों राजस्थान। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फोर्क्स इन द रोड, क्या फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या सी रंगराजन है, कि मिशेल ओबामा है, कि मानसी गुलाटी है, कि सेन वाटसन है? दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं सीन रंगराजन जी हैं। कौन है? सी रंगराजन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? क्या स्वास्थ्य सिंह को, कि डॉक्टर एलिडा ग्वेडा, कि सरगम कौशल, कि संजीव कुमार बलियान? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? क्या डॉक विभाग के द्वारा, कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, कि शिक्षा विभाग के द्वारा, कि दोस्तों लोक सेवा विभाग के द्वारा? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए है, डाक विभाग के द्वारा ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च किया गया है या शुरू किया गया है। किसके द्वारा? डाक विभाग के द्वारा। क्लियर है। तो दो प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आशा है कि ये आपको समझ में आ गया है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम हिंदी के लेक्चर के साथ। चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी पर, और हिंदी का जो हमने आज चैप्टर चुना है उसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिए दोस्तों, जिसकी कल्पना ना की जा सके। क्लियर है, जिसकी कल्पना ना की जा सके दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए, क्या बोलते हैं? अकल्पनीय बोलते हैं। तो जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? अकल्पनीय बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जो कहा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? जो कहा ना जा सके उसे हम बोलते हैं दोस्तों अकथनीय बोलते हैं। तो जो कहा ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? अकथनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अकथनीय बोलते हैं। तीसरा है दोस्तों, हाथी को हांकने का लोहे का हुक। क्लियर है, हाथी को हांकने का लोहे का हुक क्या है इसका प्रश्न? इस प्रश्न का आंसर दोस्तों से क्या बोलते हैं? अंकुश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकुश बोलते हैं। क्लियर है। तो हाथी देखे हैं, उसके ऊपर जो बैठे रहते हैं महावत, तो लोहे का ये हुक लिए रहते हैं, उसी से हाँकते हैं, तो उससे हम बोलते हैं अंकुश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकुश। क्लियर है। नेक्स्ट है, जो खाया ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, शब्द तो अनेक हैं लेकिन अर्थ एक ही है। तो जो खाया ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम बोलते हैं अखाद्य। क्या बोलते हैं? अखाद्य बोलते हैं। तो उसे हम, जो खाया ना जा सके उसे हम अखाद्य बोलते हैं। पांचवा है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताइए, इसका होगा क्या? अग्रज होगा। क्या होगा? अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो क्या होगा? उसे हम अग्रज बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आगे का विचार करने वाला, जो आगे की विचार करता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जल्दी से बोलिए, आगे का विचार करने वाला क्या होता है? अग्रसोची कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्रसोची। क्लियर है? यस क्लियर है। तो आगे का विचार करने वाला,
अग्रसूची कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जल्दी बताइए, उसे हम अग्रणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रणी बोलते हैं। जो सबके आगे रहता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अग्रणी बोलते हैं। आठवां है, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, उसे हम बोलते हैं अगोचर। क्लियर है? तो अगोचर, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अगोचर। क्लियर है? और दोस्तों, जो नेत्रों से दिखाई न दे, सेम इसी की तरह संकेत करें, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, जो नेत्रों से दिखाई न दे इस उसे हम अगोचर बोलते हैं, यानी इसका भी अगोचर होगा। दसवां है, जो इंद्रियों से परे हो, यानी एक प्रकार से ना दिख रहा हो, तो वो भी क्या होता है? अगोचर। क्लियर है? तो इस तरीके से तीनों का आंसर अगोचर ही होगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। समाचार पत्र का मुख्य लेख क्या कहलाता है? समाचार पत्र का मुख्य लेख क्या कहलाता है दोस्तों? अग्रलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्रलेख। समाचार पत्र का मुख्य लेख अग्रलेख कहलाता है। जो खाली ना जाए उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जल्दी से सोचिए और प्रश्न बताइए इसे। जो खाली ना जाए उसे क्या बोलते हैं? अचूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अचूक। क्लियर है? जो खाली ना जाए उसे अचूक बोलते हैं। 13 है, जो छूने योग्य न हो दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं? दोस्तों उसे बोलते हैं अछूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अछूत। जो छूने योग्य न हो उसे हम अछूत बोलते हैं। 14 है, जो छुआ ना गया हो, यानी जिसे कभी छुआ ना गया हो उसे हम क्या बोलते हैं? अछूता। क्या बोलते हैं दोस्तों? अछूता। दोनों में अंतर समझते रहिएगा। जो छुआ न गया हो अछूत, जो छूने योग्य ना हो उसे हम अछूत बोलते हैं, जो छुआ न गया हो उसे हम अछूता बोलते हैं। दोस्तों 15 है, जो बूढ़ा ना हो, यानी जो कभी बूढ़ा ही ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए, उसे हम बोलते हैं अजर। क्या बोलते हैं दोस्तों? अजर बोलते हैं। जो बूढ़ा ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अजर बोलते हैं। 16 है, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो उसे हम क्या बोलते हैं? अजात शत्रु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अजात शत्रु। क्लियर है? 17 है, जिसे जीता ना जा सके, यानी जिसे कभी जीता ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अजेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजेय। तो जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलते हैं। 18 है, जो ना जाना गया हो इस प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से। जो ना जाना गया हो जल्दी बताइए दोस्तों, जो ना जाना गया हो उसे हम बोलते हैं अज्ञात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अज्ञात, यानी ज्ञात नहीं है, या जो ना जाना गया हो। क्लियर है? जो कुछ नहीं जानता हो। क्लियर है? जो कुछ नहीं जानता है उसे हम बोलते हैं अज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अज्ञ बोलते हैं। और लास्ट में है, जिसके कुल का पता ज्ञात न हो उसे हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए, अज्ञात कुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अज्ञात कुल बोलते हैं। क्लियर है? जिसके कुल का पता ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अज्ञात कुल बोलते हैं। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट।
तो चलिए दोस्तों 21 नंबर देखते हैं। 21वां है जो अपनी बात से ना टले उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जल्दी बताइए। जो अपनी बात से ना टले उसे हम बोलते हैं अटल। क्लियर है? तो जो अपनी बात से ना टले उसे हम क्या बोलते हैं? अटल। 22वां है ना टूटने वाला। क्या दोस्तों? ना टूटने वाला उसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। क्या बोलते हैं? अटूट बोलते हैं। तो ना टूटने वाला अटूट। क्लियर है? थोड़ा ऊपर लिखते हैं यहाँ पर, अटूट। क्लियर है? 23वां है जो अपनी जगह से ना हिले। जो अपनी जगह से ना हिले उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अडिग। कहते हैं वो अडिग हो गया है। क्लियर है? तो जो अपनी जगह से ना हिले उसे हम क्या बोलते हैं? अडिग। आड़त का व्यापार करने वाला। क्या? आड़त का व्यापार करने वाला क्या कहलाता है? आड़तिया। आड़तिया क्या कहलाता है वो? आड़त का व्यापार करने वाला आड़तिया कहलाता है। क्लियर है? 25वां, सीमा का अनुचित उल्लंघन करने वाला। सीमा का अनुचित उल्लंघन करने वाला क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए। अतिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अतिक्रमण कहलाता है। अतिक्रमण कहलाता है। 26 से जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जल्दी बताइए। अतिक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अतिथि बोलते हैं। अतिक्रमण नहीं, क्या बोलते हैं दोस्तों? अतिथि बोलते हैं। अतिथि बोलते हैं। जो सबके मन की जानता हो। जो सबके मन की जानता हो दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं, बताइए जल्दी से। जो सबके मन की जानता हो अंतर्यामी। कहते हैं नहीं वो अंतर्यामी, तो क्या कहलाता है वो? अंतर्यामी कहलाता है। जो सबकी मन की जानता हो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतर्यामी बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्लियर है? आवश्यकता से अधिक वर्षा। आवश्यकता से अधिक वर्षा क्या कहलाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बताइए जल्दी से। आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि क्या कहलाती है? क्या कहलाता है? अतिवृष्टि कहलाता है। अतिवृष्टि। ओके। जो बीत गया हो उसे हम क्या बोलते हैं? जो बीत गया हो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अतीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतीत। हाँ। 30वां है जिसकी तुलना ना की जा सके। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे हम बोलते हैं अतुलनीय बोलते हैं। अतुलनीय बोलते हैं। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय बोलते हैं। अगला है जो दबाया ना जा सके, या जो दबाया ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? अदब्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदब्य या अदम्य बोलते हैं। अदम्य, जिसके जिसे जो दबाया ना से अदम्य बोलते हैं। 32वां है जो देखा ना जा सके। जो देखा ना जा सके उसे बोलते हैं अदृश्य। क्या बोलते हैं मित्रों? अदृश्य बोलते हैं। 33 है जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अद्वितीय बोलते हैं। अद्वितीय बोलते हैं। जो देखने योग्य ना हो आदर्शनीय। क्या? आदर्शनीय कहलाता है। लास्ट है दोस्तों 35, जो पहले ना देखा गया हो। जो पहले ना देखा गया हो उसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए।
दोस्त दोस्तों उससे बोलते हैं अदृष्ट पूर्व, क्या बोलते हैं? अदृष्ट पूर्व, क्लियर है? जो पहले ना देखा गया हो उसे हम अदृष्ट पूर्व बोलते हैं। तो इस तरीके दोस्तों ये हमारा हिंदी का छोटा सा लेक्चर था जो कि हमने करंट अफेयर्स के साथ जोड़ा था। दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कई सारी परीक्षाओं में पहुंचता है। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।